جواب حظ میٚمِس تہِ مِلان بہٕ چھُس بٕتھِ بہٕ چھُس مےٚ چھِ فون کَران کَمرَس تام مےٚ ؤنۍزِ کَتہِ چھُ अब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, पिछले दो ढाई साल से जो कोविड का असर चल रहा है, सारे जो दस्तरस था सारा बंद था, खासकर जो ताजर तबका है बिल्कुल टोटली हुई, इनकी दुकानें जो थी वो सारे बंद थे, कामकाज बिल्कुल ज़ीरो के बराबर था। लिहाजा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अब जो 2022 आया है, हमारी दुकानें जो खुलने लगी है, कारोबार चलने लगा है, और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है ये जो रमज़ान का महीना है, मुकद्दस महीना है, इंशाल्लाह दुकानदारों का आगे ईद भी आने वाली है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि दुकानदारों का काम चलेगा। ताजर भी थोड़ा बहुत माली दुश्वारियों से दो चार है, लिहाजा इंशाल्लाह हम और एक मीटिंग एक दो महीने के बुलाएँगे इस बारे में, CCTV के बारे में, चूँकि हम हुकूमत से भी पिछले एक दो महीने से गुजारिश करते हैं कि ताजर को जो लॉस काफ़ी हो गया है करोड़ों अरबों रुपया में, इस वक्त वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो CCTV का कम से कम 20-25 हज़ार खर्चा आता है वो लगाएंगे। लिहाजा हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही दुकानदारों का काम चलेगा कम से कम 5-6 महीने तक सारा जो दस रास्ते है वो ठीक हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चलेगा, बाकी जो सारे एक्टिविटीज़ है वो बहाल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए भी ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है। कि जहाँ पर ये हालात जो यहाँ पर पहले सियासत पहले से हालात कशीदा रहे, जो ये CCTV जो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो लगा रही है तो इनको अपना इशू है, अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम इनको जो लगानी है, ये तो अपने रोड्स पे इनको ऑलरेडी लगाए हुए हैं, जो ऑलरेडी बाकी जो मेन रोड्स है वो इनको लगाने हैं, हमें तो इसके साथ कोई टच है नहीं, कल कहीं कुछ हो जाएगा ये हमारे CCTV में इस फुटेज निकालेगी तो उससे हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये यहाँ पर हुआ ये कैसे कि ये आपने ये CCTV आपके कैमरे फुटेज ये क्यों हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ, ये तो इनका अपना प्रॉब्लम है असल में, इनको अपने और जो ऑलरेडी लगाए हुए बहुत सारी जगह तो और जगह इनको लगानी है, तो इनको अपने खुद लगाने हैं शॉप के पे, उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने शॉप के अंदर रखने हैं CCTVs। ऑलरेडी यहाँ पर जो हालात थे पैसे की कोविड चल रहा है, चल रहा था 2019 से यह ऑलरेडी बंद ही रहा, उस हिसाब से बहुत शॉप कीपर उसको मनी के हिसाब से बहुत सफ़र कर रहे हैं, मनी कुछ है नहीं यहाँ पर, पैसे की प्रॉब्लम बहुत है, काम कुछ है नहीं, ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर से ये खर्चा भी निकालना पड़ेगा, तो इस हिसाब से भी तो इसको मुनासिब है नहीं इन हालात में। जो छोटे दुकानदार हैं वो इस ऑर्डर को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर आपने CCTV कैमरा लगाना तो इसके लिए कसी रकम चाहिए आज की डेट में, जो एक बड़ा छोटा सा दुकानदार है जिसके बिज़नेस के हालात काफ़ी सालों से अगर हम देखें तो 4-5-6 सालों से कोई इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस पर हुकूमत को रिव्यू की ज़रूरत है, इस पर रिव्यू करना चाहिए। हाँ, बड़े दुकानदार इन चीज़ों को हम भी कहते हैं कि बल्कि हमारी तरफ से भी वो चीज़ें बड़े दुकानदारों तक पहुँचेगी कि जो बड़े दुकानदार हैं वो इस चीज़ को अमलाएँ और ये जो कैमराज हैं इन कैमराज को लगाएं, लेकिन छोटे दुकानदारों की तादाद तकरीबन मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ तकरीबन 80% के करीब है, तो 20% जितने बड़े दुकानदार हैं और बड़े दुकानदारों का तो ऑलरेडी CCTV कैमरा लगे हुए हैं इस मसले को रिव्यू करके, और ख़ासकर ईद तक इस मसले को अभी रोका जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो बिज़नेस होने वाला है वो इस लास्ट के जो भी 10-15 दिन हैं इसमें होने वाला है, तो तब तक थोड़ा सा इन चीज़ों को हम कारोबार के ज़रिए, बाकी जो भी ऑर्डर होगा तो मुझे लगता है कि हमें ये कैमराज वगैरह लगाने की जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लगाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, मेरी कल डिजिटल इंतज़ामिया से बात हुई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो बड़े दुकानदार हैं वो अगर लगाएंगे और बाकी जो भी मसले होंगे या बाकी सारी चीज़ें वो ईद तक
मौखर की गई हैं। ईद के बाद ही अभी कोई डेट जो 19 की डेट थी उस पर नज़रसानी की गई है और मेरे से भी बात हुई है, मैंने भी उनसे बात करी है, मैं उनके पास गया भी था और मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है। तो ईद के बाद ही जो कुछ भी होगा वो ईद के बाद ही होगा और तब तक ये मसला हल भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।